गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ शिल्प मेले का फुल वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना फुल वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहफ को प्रैम में बनाया जा रहा है। कि अम्मो और खाला ने पूरा ज़िम्मा लिया हुआ है कि वो कब को संभालेंगे, तुम आराम से वीडियो बनाओ। गाइज आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं, इसलिए मेरा वॉइस ओवर भी अच्छा नहीं हुआ। तो मतलब वॉइस ओवर अच्छा क्या नहीं हुआ, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी लग दे रही है, बस तो कुछ लोगों को अच्छी लग दी जाए। तो एंट्री के टाइम पे ना बहुत सारी शॉप्स थी जो हैंड क्राफ्ट वाले जो सामान होते हैं ना उनका था, और अच्छे लग रहे थे काफ़ी चीज़ें। थोड़ा कॉस्टली होती है यहाँ के सामान। एंड इन व्हाट हैपेंड कि मुझे अचानक से मुझे एक अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड मिल गई, मोनिका नंदा। एंड यू नो व्हाट, आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे इतना अच्छा लगा उससे मिल करके। और पता है कोइंसिडेंटली जब आप किसी फ्रेंड से मिल लो, वो भी स्कूल टाइम की, भले ही आपके वहाँ पे मतलब उतनी फ्रेंडशिप ना हो या आप साथ में हर टाइम नहीं रहे, तो बट वैसे मिल के ना बहुत अच्छा लगता है। एंड देन यहाँ देखिए, यहाँ पे हो रहा है कोई डांस परफॉर्मेंस है, आई थिंक उड़ीसी डांस परफॉर्मेंस है, जो काफ़ी अच्छा था। और भीड़ आप देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब भीड़ को देख के लग रहा है कि पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड, स्टिल इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल डांसेस। एंड डांस फॉर्म बहुत अच्छा था, बट हम लोग पूरा नहीं देख पाए क्योंकि कहव की वजह से ना हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। तो हम लोग आगे बढ़े एंड यहाँ पे ना बहुत सारे सूट्स की भी शॉप थी, साड़ी की, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे मिल सकती, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रेसेस से रिलेटेड हो, फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या, वो आप आगे देखना क्या क्या चीज़ें हैं। और भीड़ तो इस कदर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़, जैसे लग रहा था ना पूरा का पूरा इलाहाबाद एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पे ज्वेलरीज़ की भी शॉप थी, यानी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होते हैं ना उसकी, और शूज़ की, नागरा, जितने भी कल्चरल मतलब जिस टाइप के होते हैं वो सब चीज़ें थी यहाँ पे। हम लोग को ना घुसते ही ना सबसे पहले भूख लगने लगती है, तो हम लोग गए देखा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टोकन सिस्टम चल रहा था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तो हम लोग ने सोचा सबसे पहले कॉफ़ी पी लें। तो कुल्हड़ कॉफ़ी की तरफ गए एंड लिटरली वहाँ इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना कुल्हड़ कॉफ़ी की कि बस यार लग रहा था फटाक से मिल जाए। एक तरफ अब्बा कॉफ़ी ले रहे थे और दूसरी तरफ मिल रहा था तरह तरह की माउथ फ्रेशनर, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ट्राई कर ले। और ये काम में बड़ा मज़ा आता है, माउथ फ्रेशनर मतलब लेना हो चाहे ना हो ट्राई कर लो भाई। तो हमने कई तरह के हमने ट्राई किया और फिर आ गई कॉफ़ी, तो फाइनली कॉफ़ी को इन्जॉय किया हम लोगों ने। हम लोगों ने तो कॉफ़ी इन्जॉय कर ली थी, पर कहा को कॉफ़ी मिल नहीं सकती थी इसलिए उसने दूध से काम चला लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हम लोगों ने अब्बा को एक जगह बैठा दिया और कहा को प्रैम में लगा के वहीं पे दे दिया उनको, और अब्बा बोले कि वो संभाल लेंगे। और हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो हम लोग कम से कम मेला घूम लेते हैं, क्योंकि अब्बा को वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था कुछ खास शॉप्स में। तो ना सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अगर पूरा घूमना है ना तो एक मतलब एक सर्कुलर वे में अगर पूरा ग्राउंड है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच बीच में शॉप विज़िट कर लेंगे, तो उसमें काफ़ी कुछ मिस भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मम्मी को संभालना था, और ये था ना कि कहीं ऐसा ना कोई खो जाए, तो कुंभ के मेले में अगर खो गया तो फिर क्या, तो उसी तरह का लग रहा था। तो हम लोग गए ये विमेन सेक्शन में जहाँ पे क्लोदिंग का था और अच्छे अच्छे सूट्स थे, ज्वेलरी थी आर्टिफिशियल।
तो यहाँ पे सबसे अच्छा ना मुझे ब्लाउज और शर्ट टाइप की चीज़ें थी ना, ये बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने उसमें से एक परचेज़ किया। मैं कभी और ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें मैं दिखाऊँगी मैंने कौन सा परचेज़ किया। और मतलब चादर बेडशीट वेडशीट भी थी, बट वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, उससे अच्छी तो मुझे मार्केट में मिल जाती है। एंड आर्टिफिशियल में भी ठीक ठाक था, हम लोग ना हर एक शॉप पे रुक रहे थे, सोचे थे कहीं से तो कुछ अच्छा दिखेगा। थी भी चीज़ें अच्छी, बट ये था कि अब हर चीज़ आप परचेज़ नहीं कर सकते हो मेले से। और ये बैग से मतलब नॉन ब्रांडेड बैग थे, लेकिन अच्छा था, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो मुझे लगा कि उससे अच्छा तो मैं ब्रांडेड की तरफ जाऊँ, वहाँ से कुछ ले लूँ। और सबसे अच्छा जो था ना, वो यहाँ फ्लावर्स का सेक्शन था, मतलब ये आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक वाले फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर पॉट थे, बट ये ना मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट में थे। इनको लेने में मतलब लग रहा था कि ना आपने अपना पैसा, ये नहीं कि आपने कहीं ऐसी जगह लगा लियो एक्सपेंसिव कर लिया हो। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी को छोड़ नहीं रहा। मम्मी ने फाइनली ड्राइंग रूम के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लावर मतलब फ्लावर पॉट ले लिया था, और साथ ही साथ उसके फ्लावर्स भी ले लिए। लाइट देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे लैम्प्स की तरफ, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लैम्प थे। मैंने बहुत जगह रेस्टोरेंट और कई जगह देखा इस तरह के लैम्प्स, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मम्मी ने मुझे लेने नहीं दिया। और बेचारी लवली को देखिए, तो फ्लावर्स लेके घूम रही है, इसके पास कोई काम नहीं है। मम्मी कहाँ है? उसके बाद हम लोग ये साड़ी सेक्शन में आई, मुझे इतना कुछ मतलब इस तरह की मम्मी पहनती भी नहीं, और हम लोग को भी इतना इंटरेस्ट है नहीं। उसके बाद हम लोग ये जूट के बैग की शॉप में आ गए, और लवली को बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। काफ़ी हैंडमेड बैग्स थे ना, तो ये अलग सा लुक दे रहे थे। और जो बेस्ट पार्ट था ना, आई टेल यू, ये क्रॉकरी सेक्शन था। यार क्या गज़ब गज़ब के क्रॉकरीज थे, और मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, मतलब कॉस्टली थे, कुछ कुछ थे, बट जैसे ये वाले सेट जो आप देख रहे हो सामने, ये सब इतने मतलब रीज़नेबल रेट में थे ना। और हमने उसमें से कुछ कुछ परचेस किया, एंड कुछ हमने आगे के लिए रख दिया कि हाँ मतलब आएंगे, दो दिन बाद आएंगे, तीन दिन आएंगे, तब ले के रख लेंगे, बट हम लोग आ नहीं पाए वो अलग बात है। बट यू नो व्हाट, इट वाज रियली गुड एंड रीजनेबल, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने एक जगह देखा, वहाँ फर्नीचर का भी काफ़ी अच्छा वो मतलब था, सारे मतलब एंटीक टाइप के पीसेस थे जो लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यू नो व्हाट, यहाँ पे मुझे लगता है दुनिया की हर एक चीज़ मिलती है, यानी कोई भी ऐसा आइटम नहीं जो नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा सा रेट्स थोड़े हाई होते हैं, बट अच्छे चीज़ें होती हैं, एंटीक पीस मिलते हैं। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे कालीन एंड मतलब कालीन ब्लैंकेट से मिलते हैं। दूसरे सेक्शन में एक जगह मैंने ब्लैंकेट भी देखे हैं। तो फाइनली हम लोग वहाँ से कालीन वालीन देखते हुए आगे बढ़े, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अलग अलग टाइप के पॉट्स भी थे। एंड उसके बाद ये कोई डांस फॉर्म चल रहा था, हम लोग स्टेज के पास वापस आ गए थे, और ये डांस फॉर्म भी काफ़ी अच्छा था, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर गाइस आपको पता हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। का
फिर हम लोग को ना अपना बचपन का कैंडी फ्लॉस यानी कि बुढ़िया का बाल दिख गया, और ये तो मतलब हम लोग का फेवरेट था, तो वो हम लोग ने लिया। कहाँ ने भी काफ़ी इंजॉय किया। एंड उसके बाद हम लोग भेलपुरी की तरफ आए। मीन्स अब तो बस ये था कि खाना ही है, जो भी चीज़ें जो भी दिखे वो ले लो। तो जहाँ लाइन कम थी यानी जहाँ पे थोड़ा कम भीड़ थी वहीं हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें लेकर के आए, जैसे जलेबी है और पनीर टिक्का। यार बहुत ही टेस्टी और बहुत मतलब स्पाइसी भी था, बहुत टेस्टी था। एंड देन मूंग दाल का चिल्ला और यू नो बटर वाला जो फुल कॉर्न होता है ना, वो यार वो तो मतलब मुझे लग रहा था कि बाहर भी इतना अच्छा नहीं मिलता, इतना अच्छा वहाँ था। चिल्ला है ना, भाई बाटी चोखा कितने का है? 70 रुपए का, दो पीस है। ठीक है, कर दीजिए। तो हम लोगों ने बाटी चोखा भी ले लिया और साथ ही साथ छोले भटूरा लिया। एंड मम्मी बेचारी पूल के बैठी हुई थी जो उन्होंने लिया था वहाँ से, और साथ ही साथ लवली बेचारी कहाव का दूध बना रही थी, क्योंकि मैं तो व्लॉगिंग कर रही थी तो मैं तो कर नहीं सकती थी। और जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग ने देखा ये स्टेज परफॉर्मेंस, और ये सच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। मतलब मुझे लग रहा था इतना बढ़िया बढ़िया कल्चरल एक्टिविटीज़ है हमारे यहाँ, इतने अच्छे कल्चर डांस परफॉर्मेंस है, और लोगों को देखिए कितने अच्छे से वो लोग मतलब इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं और कोई बोर नहीं हो सकता। तो गाइस लास्ट तक देखना, ये जो परफॉर्मेंस है ना अल्टीमेट है। बसत में रे पे बसियो, अरे बसत बसत में रे पे बसियो, अरे बसत बसत में रे पे बसियो, बसत बसत में रे पे बसियो। बसियो नाम हजार, ओ जुग जुग जियो गोरी नाचन लाल, ओ जुग जुग जियो गोरी नाचन लाल, ओ जुग जुग जियो गोरी नाचन लाल। इस तरह हम लोग वापस लौटने लगे और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने शिल्प मेले को। और गाइस अभी तो टाइम ख़त्म हो चुका है शिल्प मेले का, बट नेक्स्ट टाइम लगे तो आप लोग ज़रूर विज़िट कर सकते हो इलाहाबाद में। एंड आई डोंट नो और सिटीज़ में लगता हो तो वहाँ पे भी लोग आप जा सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड यस मेरे चैनल को शेयर करना लोगों से गाइस, व्यूज़ बढ़ाना। तो गुड नाइट, लाभ शुभ है, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय, टाटा। मजा आया, चाहे अब्बा बोलो गए बस। वो तो कहो कि हमने मुंह से निकल गया मेरे से, हम अपने भैया के साथ थे, दूध भी क्या थे, हमने बाबू इंजॉय कर रहे थे, बाबू दूसरे के खाने में नियत लगाया था।